सोलन में एक युवक ओम शिव गुप्ता को उसके शौक ने हिमाचल में अलग पहचान दिलाई है। ओम शिव गुप्ता अभी महज 13 वर्ष का है और उसने केवल 5 वर्षों में डाक टिकटों और देश विदेश की करेंसी की अच्छी खासी एकत्र कर ली है। ये युवक खाली समय में और बच्चों की तरह मोबाइल पर गेम नहीं खेलता बल्कि डाक टिकटों और करेंसी के बारे में जानकारी हासिल करता है। ओम शिव गुप्ता के पास ऐसे दुर्लभ नोट हैं जो अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे 7.5 लाख डॉलर का नोट, 0 अंक वाला नोट, मुगल कालीन सिक्के और इसके साथ साथ भारत और विदेश की डाक टिकट्स। इस शौक में अब ओम शिव का परिवार भी उसका साथ देने लगा है और अब वह उसके इस शौक में उसका हाथ बटाते हैं। अपने शौक के बारे में ओम शिव गुप्ता ने बताया कि जब वे 3री कक्षा में थे तब उनके पिता ने उनके दादा द्वारा एकत्र किए गए सिक्कों को दिखाया और उनके महत्व को समझाया। तब से उन्हें भी सिक्कों को एकत्र करने का शौक पैदा हो गया। तब से लेकर वे दुर्लभ सिक्कों को एकत्र कर रहे हैं। वही ओम शिव ने बताया कि जब 6री कक्षा में उन्हें स्कूल द्वारा टिकट एकत्र करने का टास्क दिया गया तो उन्हें टिकट एकत्र करने का शौक भी हो गया। अब वे टिकट और करेंसी दोनों एकत्र कर रहे हैं। जो भी उनके घर में आता है तो वे उसे अपनी ये कलेक्शन जरूर दिखाते हैं और वे भी हैरान रह जाते हैं। ओम शिव ने बताया कि वे जब भी कोई करेंसी देखता है तो या तो वे उससे मांग लेता है, अगर नहीं मिलता तो उसे खरीद कर भी अपनी कलेक्शन में शामिल कर लेता है। वहीं ओम शिव गुप्ता की माता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले ओम के परदादा और दादा करेंसी एकत्र करने का शौक रखते थे, फिर उनके बाद ओम के पिता ने ये शौक जारी रखा। अब खुद ओम 4थी पीढ़ी में इस शौक को जिंदा रखे हुए है। उन्होंने बताया कि इस शौक में ओम के पिता भी उसका हाथ बटा रहे हैं। भाई स्कूल ने भी उसका शौक स्टैम्प्स एकत्र करने में भी बढ़ाया। यही वजह है कि उसका शौक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सभी इस शौक से बेहद खुश हैं। My name is Om Shiv Gupta. I am studying in 8th class. तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ की कलेक्ट करी है, इसका शौक मुझे 3rd class से पड़ा है। तो ये मेरे परदादू दादा की कलेक्शन थी, फिर पापा कलेक्ट करने लगे, मैं फिर पापा की देखी थी, उन्होंने कलेक्शन दिखाई थी मुझे अपनी कॉइन्स और करेंसीज की, इंडियन के पुराने पुराने, तो मैंने देखा कि मैं भी करूं। फिर मैं पाइनवो स्कूल गया था, वहां से मैंने उन्होंने मुझे एक्टिविटी पूरे बच्चों को दी थी कि ऑल वर्ल्ड की आपने स्टैम्प्स कलेक्ट करनी है, तो मैंने करी। फिर मैं जब करने लगा तो वहाँ पे बच्चों के लेटर्स आते थे, उनसे भी ले लेता था थोड़ी थोड़ी। फिर मुझे एकदम से ये हुआ कि मुझे अब करेंसीज की भी करनी चाहिए, कॉइन्स करेंसीज, तो ऐसे। हाँ, जैसे 10 रुपीज का वो है नोट, उसमें जैसे सीरियल नंबर आता है ऑल 0 ऑल 6 7 8 6 7 8 6 ऐसे ऐसे। मैंने YouTube पे वीडियो देखी, गलती से ही आ गई थी, गाने सुन रहा था मैं तो एकदम गलती से कॉइन्स ऑफ नोट्स की आ गई थी, तो मैंने वो दबाई देखते हैं, फिर उसमें इंडियन की पुराने पुरानी करेंसीज आई थी, तो मैंने सोचा फिर कर लेते वो भी। मेरे पास मुगल टाइम्स के कॉइन है और 4थ AD का कॉइन है। जो मुगल टाइम का है वो तो होगा कम से कम 9 लाख समथिंग का, वो मेरे दादू के ऐसे थी, उन्होंने करे थे 1 लाख, तो मुझे पापा ने बताई थी ये। और जो 4थ AD का कॉइन है वो तो हमने खरीदा था, वो हमने कम से कम खरीदा था 12,000 ऐसे कुछ का। 3rd class में था मेरा बेटा, तो इसको हमारे जो मेरे ससुर हैं, मतलब इसके दादाजी और इसके परदादाजी थे, उनके कलेक्शन, मतलब जैसे पुराने टाइम में होते नहीं थे सिक्के वगैरह इकट्ठे किए हुए होते थे बुजुर्गों ने, वो वाले सिक्के थे जो निकले थे। तो इसने देखा कि ये क्या है, तो उसके पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे करके पापा ने और दादाजी ने इकट्ठे किए हुए थे, उनके पास थे। फिर इसके पापा ने अपनी कलेक्शन भी दिखाई इसको कि मेरे पास भी है कुछ, तो इसको भी फिर लगा कि मुझे भी करने चाहिए। इसने थोड़े बहुत कॉइन्स इकट्ठे किए, फिर ये पाइन ग्रोव स्कूल में गया 6th class में, वहाँ पे इसको स्टैम्प्स की मिली थी एक्टिविटी, तो इसने जब स्टैम्प्स की तो फिर इसको लगा कि मेरे को ये भी करना चाहिए कलेक्शन नोट्स वगैरह ना अलग अलग कंट्रीज़ की, तो इसने फिर वो भी किया। काफ़ी ज़्यादा हद तक है इसके पास।